डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। आपको पता होगा, हम लोगों ने 7.4 में 9 तक के क्वेश्चंस को किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है भाई, 1 है बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। सबसे पहले दोस्त, इस जो द्विघात समीकरण है, ये अगर अलग अलग स्क्वायर पे रहता तो हम लोगों का बात बन जाता। ठीक है, एक्चुअली बात बन जाता। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ज़रा वो समझिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो ये जो स्क्वायर रूट में है, इसको हम लोगों को किसी भी फॉर्म में बनाना होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन रूट अंडर, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस इस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू dx, यानी लास्ट वाला जो 2 है उसको 1 1 में अलग अलग तोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर, ये एक्स स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं ना भाई, 2 इंटू एक्स इंटू 1 को गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और प्लस में 1 इंटू में dx। दोस्तों, इसको हम लोग इंटीग्रेट देकर 1 बट्टा रूट अंडर, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक के चीज़ों को देखिए। ठीक है, ये क्या किसके जैसा बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक को x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाद बाकी 1 है इसका भी हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। अब देख लो ये किस फार्मूला पे दोस्त, फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि 1 रहेगा, रूट रहेगा नीचे, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब x वाला पार्ट है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx अगर रहता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं भाई log मॉड में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log अंदर में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से आप जरा इसको देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा log मॉड में x की जगह पे क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1। ठीक है, और फिर प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ होगा रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि फार्मूला होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू क्या dx। नीचे वाला जो द्विघात समीकरण है इसको आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जब इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या,
वन डिवाइडेड बाई 9x² प्लस 6x प्लस, इसको तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। ऐसा तोड़ने का फ़ायदा क्या है? तो जस्ट हम लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई 9x² है ना भाई, इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 2 इंटू ए, ए के जगह पे 3x, बी के जगह पे 1। देख लो 6x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1, और प्लस इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के देख लो भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये तो अलग हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ से यहाँ तक के 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx, लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। दोस्त अब क्या करना है, ज़रा देखिए ये किस फार्मूला पे है। तो पहले फार्मूला हम लोग आपको बता देते हैं, 1 बटा, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता, यहाँ पे तो ए है कांस्टेंट है, स्क्वायर रहता तो यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स x/a, ठीक है, ये हम लोगों को आंसर होता। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो टेन इनवर्स x की जगह पे क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बट्टा में कितना, ए के जगह पे 2, लेकिन x का गुणांक कितना है, 3 है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x का गुणांक यहाँ 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में कितना, सी। तो यहाँ पे आंसर होगा 1/3 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर बनने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने पड़ेगा कि अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो हमको उसको एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने आने चाहिए, ठीक है। अगर आप तोड़ लिए तो फिर तो सिंपल है, अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर वही टफ चीज़ बन जाता है, ठीक है। इसमें बस वही मेन चीज़ समझना है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। आपको सोचना है कि आखिर वो द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के रूप में कैसे तोड़ेंगे। अगर वो तोड़ लिए तब तो फार्मूला पे आ ही जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 बटा 1 बटा 7 माइनस 6x माइनस x² 7 माइनस 6x माइनस x², ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, मतलब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनटू क्या dx, और हाँ रूट विद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रूट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जरा देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले एक और काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा √, इस 7 को क्या हम लोग 16 माइनस 9 लिख सकते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और बाद बाकी -6x - x² इंटू dx। दोस्तों 1 बटा तो ठीक है, रूट अंडर भी ठीक है, ये 16 कैसे आएगा, ये 16 कैसे आएगा, तो 16 आएगा 4 का स्क्वायर, बाकी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन कर लीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा x² इंटू क्या, dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बटा √, ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 9 है, तो 9 कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2, a के जगह पे 3, b के जगह पे x, तो 2 3 जा 6x, और प्लस कितना, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर रख दिया।
आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो आपको पता चल रहा होगा एक अच्छा तरीका यहाँ पे मिल गया हम लोगों को कि ये चार का स्क्वायर है भाई, चार का स्क्वायर रखो माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, 1/√ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों को फार्मूला किस फार्मूले पे है तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर दोस्तों 1/√ a² - x² रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा तो इसको हम लोग कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हम लोग करते हैं। यहाँ पे देख लो ए की जगह पे कितना है 4, एक्स की जगह पे कितना है 3 + x, तो यहाँ पे आंसर जो हम लोगों को निकलेगा वो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे 3 + x, तो यहाँ हो जाएगा 3 + x बाई ए, ए की जगह पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देख लो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणांक बगल में 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करो या नहीं करो बात बराबर, लेकिन प्लस सी तो जोड़ना जरूरी है। दोस्तों जैसे हम आपको एक आइडिया के फॉर्म में बताएं कि अगर कभी भी द्विघात समीकरण रहे तो मेरा टारगेट क्या है, उसको अलग अलग स्क्वायर में तोड़ देना। अगर उसको अलग अलग स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा फिर आपका फार्मूला पे आ जाएगा और आप फिर फार्मूला लगा दीजिए। तो ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा टफ यहाँ पर ये पड़ जाता है कि जो द्विघात समीकरण है उसको आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कैसे बदलेंगे, तो आगे के क्वेश्चन में भी वैसा ही है। तो आप 13, 14, 15 आगे के क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए, तो अगर नहीं बनेगा फिर हम अगले क्लास में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।